तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं पिवट टेबल में रिलेशनशिप और पावर पिवट की। देखिए क्या होता है, जब आपके पास डेटा एक सीट पे अवेलेबल ना हो, डिफरेंट डिफरेंट सीट पे हो, मतलब तो रिलेट करती हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेल्स का टेबल है जो मेरा मेन टेबल है, उसमें हमारे पास आईडी है, डेट है, क्वांटिटी है, इसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोडक्ट के लिए जस्ट प्रोडक्ट का कोड दे दिया गया है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कस्टमर के लिए कस्टमर का कोड दे दिया गया है, और इन्फॉर्मेशन दूसरे शीट पे यहाँ दिया गया है, जैसे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन और कस्टमर में कस्टमर का इन्फॉर्मेशन। तो अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट के नेम वाइज सेल्स निकालना है या कस्टमर वाइज या सिटी वाइज निकालना है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक कि मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के मैं सीआईडी और पीआईडी के बिहाफ पे उनके नेम, अमाउंट, सिटी, ये सब जो है लुकअप करूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर आपको जब भी पिवट लगाएंगे तो वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि हमारे पास जो डेटा है किसी और डेटाबेस से कनेक्टेड होता है और ऑटोमेटिकली वो अपना साइज कम ज़्यादा करते रहता है, उस केस में आपको मैनुअली फिर फॉर्मूला डिलीट और इंसर्ट करना पड़ जाएगा। सो हम वी लुकअप का प्लान ड्रॉप करते हैं क्योंकि वो मैनुअल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप की, पिवट टेबल में रिलेशनशिप। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करते हैं और पिवट करते हैं। पिवट में यहाँ देखिए ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, इस पर क्लिक करके मैं ओके कर दिया। थोड़ा टाइम ले गए, थोड़ा सा हैंग होगा फर्स्ट टाइम, और पिवट लग गया, सेल्स में लगा दिया हमने। फिर प्रोडक्ट को भी इसी तरह से सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद इंसर्ट पिवट टेबल, और इसको भी ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, ये जरूरी है। करने के बाद दोनों पिवट हमने लगाए क्योंकि हमारा डेटा डेटा मॉडल में चले आए। आप देखेंगे यहाँ पे रेंज वन करके आ रहा होगा, ऑल करेंगे तो रेंज वन और रेंज टू इस तरह से दिख जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, क्योंकि अभी इसमें ये नहीं पता है कि हमारा सेल्स का डेटा और रेंज इसका कस्ट प्रोडक्ट का डेटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे वी लुकअप लगाते हैं तो देखते हैं ना, आईडी नंबर भी वहाँ जाकर सेलेक्ट कर देता है, आईडी के बिहाफ से उठा लेता है, ये चीज़ हमने नहीं की है। तो जैसे ही दो डेटा को आप डेटा मॉडल में ऐड करेंगे, पिवट टेबल की एनालाइज पिवट टेबल एनालाइज वाले मेनू बार के अंदर रिलेशनशिप आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो रिलेशनशिप पे आप क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए, और रेंज जो हो गया आपका सेल्स हो गया, क्योंकि रेंज रेंज वन रेंज टू रेंज थ्री सर्च चलता है, और ये आपका रेंज वन हो गया। कॉलम कौन सा हो गई, तो हमने बोला पीआईडी, और रेंज का पीआईडी उसने ऑटोमेटिक ले लिया है, मतलब आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो दोनों के बीच में मैंने रिलेशंस कर दिया, मैंने बता दिया कि रेंज वन मतलब कि सेल्स का पीआईडी, रेंज वन मतलब कि प्रोडक्ट का पीआईडी, बोथ आर द सेम कॉलम सेम डेटा। ओके किया, क्लोज किया। अब सिंपल सा हमें क्या करना है कि मैं यहाँ नेम को यहाँ रख रहा हूँ और क्वांटिटी में ले रहा हूँ रेंज वन से। तो देखिए प्रोडक्ट के नेम वाइज हमें यहाँ पे पता चल गया कि किसका क्या क्वांटिटी है। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं सर? अमित जी, अंकित जी, अमित जी, समझ में आया आपको? जी सर, आया, समझ में आया। अब इसमें छोटी सी एक दो प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि जितने शीट उतने पिवट लगाने पड़े, एक गलत है। मान लीजिए मैं 10-15 शीट है, 10-15 पिवट लगाने पड़ेंगे ना। दूसरी, मुझे इसमें कुछ कैलकुलेशन भी करनी, जैसे कि अमाउंट और क्वांटिटी आपस में कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि अमाउंट इज द एमआरपी। तो उस केस में ये रिलेशनशिप उतना कारगर नहीं है, तब आपको यूज करना है पावर पिवट। तो पावर पिवट का मेनू मुझे दिख रहा है बट आपके सिस्टम में नहीं दिखेगा। सबसे बता दूं, पावर पिवट 2013 ऑनवर्ड है,
तो फाइल मेनू बार के ऑप्शन, सबसे लास्ट में जो ऑप्शंस है उस पे आप जाएंगे और यहाँ सबसे नीचे आपको दिखेगा ऐड इंस, ऐड इंस उस पर क्लिक कीजिए, थोड़ा टाइम लेगा। फिर इस पे एक्सेल ऐड इंस को हटाइए और चले जाइए कॉम ऐड इंस पे, किस पे चले जाइए कॉम ऐड इंस पे। फिर गो पे क्लिक कीजिए, यहीं पे आपको दिख जाएगा पावर पिवट, बस इस पे टिक कीजिए, ओके कीजिए, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन होगा, थोड़ा सा रन होगा और ये आपका दिख जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप वन बाय वन सारा डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ऐड टू डेटा मॉडल। तो यहां पे डेटा मॉडल ऐड करने के लिए पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, डेटा मॉडल में जैसे ऐड करेंगे एक आपका जो है बैकएंड में, मतलब जो पावर पिवट टेबल के पीछे जो डेटा होता है ना उसका एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी एडेड है तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम कस्टमर पे चलते हैं, कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी यहाँ पे पावर पिवट में ऐड डेटा मॉडल। तो तीनों शीट ऐड हो गई, चौथा पांचवा छठा इसी तरह से ऐड कर सकते हो और सबके जो नेम है ना यहाँ चेंज कर सकते हो। रेंज वन एक प्रोडक्ट है हमारा, तो हमने यहाँ पे पी आर का शीट है तो पी आर कर दिया। टेबल हमारा सेल्स है, थोड़ा सा स्लो चलेगा, ये हमारा सेल्स है तो सेल्स आ गया। फिर हमारा टेबल टू जो है ये हमारा प्रोडक्ट है, क्या है ये हमारा अभी है कस्टमर है, डबल क्लिक किया CUST कस्टमर। अब इसमें आपको ये पावर की जो आपका पावर पिवट का इंटरफेस है उसी में आपको होम के जगह पे यहाँ दिखेगा डायग्राम व्यू। अब इस डायग्राम व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसका एक्सेस की तरह अलग अलग टेबल में आ जाएगा। तो मेन टेबल आपका कौन सा है, सेल्स है, ये दोनों सपोर्टिंग है। अब मैं इनको आपस में रिलेशन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से पीआईडी को उठाया और हमने इसके पीआईडी पे ड्रॉप कर दिया तो इनके बीच में रिलेशन बन गई। फिर सीआईडी को उठाया, इस टेबल के अंदर सीआईडी पे ड्रॉप कर दिया, तो ये हो गई रिलेशनशिप, मतलब हमने सेल्स टेबल को दोनों टेबल से कनेक्ट कर दिया। अब डायग्राम व्यू पे आते हैं और अपने सेल्स टेबल पे जाते हैं। अब मुझे इसमें कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी करके टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ इसको नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डबल क्लिक कर देंगे इस पर तो आई थिंक हट भी जाएगा। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अब इसमें क्या एक फॉर्मूला होता है रिलेटेड, रिलेटेड तो हमने बोला ये कस्टमर अमाउंट पीआर अमाउंट ला दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपनी क्वांटिटी से, सिंपल एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे डेटा आपके सामने आ गया। उसके बाद एक और कॉलम ऐड करते हैं, मान लें मुझे टैक्स निकालना है, जीएसटी निकाल दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल, का 18%। अब परसेंट का सिंबल शायद एक्सेप्ट नहीं करता है, रेट लग गया आ गया ना, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 0.18। तो ये आपका आ गया। अब इसमें से आपको फॉर्मूला लीफ वगैरह लगाना है तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आसानी से आप लगा सकते हैं।
तो फिलहाल मेरा कैलकुलेशन हो गया फिनिश, ऊपर दिख रहा होगा पिवट टेबल। अभी हमने जो भी किया पिवट टेबल के बैक साइड में किया है। पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही एक नई शीट पे आपकी पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पे तीनों शीट कम्बाइन है और आप जो है यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं कि प्रोडक्ट के नेम, कस्टमर नेम और यहाँ पे आप अपना टोटल ले सकते हैं। और आप इसमें स्लाइसर वगैरह भी लगा सकते हैं, इंसर्ट स्लाइसर्स। मैंने बोला कि भाई सिटी वाइज आ जाए, तो ये आपका सिटी वाइज है। मैं चाहता हूँ डेट वाइज आ जाए, तो डेट अगर हो तो स्लाइसर नहीं इंसर्ट टाइमलाइन यूज कीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए समझ गए, कोई डाउट इसमें? ये थी हमारी पावर पिवट।